हे एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरोट रीडर पूनम वर्मा आप सभी के साथ लौट आई हूँ जुलाई मंथ की रीडिंग आपकी लव रीडिंग को लेकर के। तो जुलाई के महीने में आपके लिए कैसी लव एनर्जीज रहेंगी, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। और रीडिंग कर स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, मैं यहाँ पे आज आपकी जुलाई मंथ को लेकर के आपके लिए आपकी गाइडेड एंजल्स आपको क्या लव मैसेज देना चाहती हैं, आपको लेकर के आपकी लव सिचुएशन के हिसाब से आपके रिलेशनशिप को लेकर के क्या वो आपको मैसेज देना चाहेगी मैं आखिरी में निकालूंगी। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा राइट नाउ। जुलाई में मेष राशि वालों के लिए क्या उनकी लव रिलेशनशिप में आ रहा है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। ओप्स, डेविल की एनर्जी, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ सोर्ड, इसको मैं ऐसे रखना चाहूंगी, टू ऑफ सोर्ड, चैरियट। आई होप आपको कार्ड क्लियर दिखाई दे। ओके, आई थिंक आपको कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉटम में। तो बॉटम में है एनर्जी फाइव ऑफ कप्स की, पेज ऑफ वैंड्स की, नाइन ऑफ सोर्ड की, और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले जो मुझे क्लियर पिक्चर समझ में आ रही है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो। ठीक है, बहुत सारी एडिक्शंस हैं आप दोनों के बीच में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, कन्फ्लिक्ट्स आई हैं, समझ नहीं आ रहा है आपको राइट नाउ कि क्या करना चाहिए। ठीक है, राइट नाउ नहीं समझ में आ, जब ये आप रीडिंग देख रहे हो तब आपको लग रहा है कि कोई इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप को कोई फ्यूचर नहीं है, मुझे इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, मुझे यहाँ पे कोई स्ट्रांग वाइब्स नहीं आ रही। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन मेरे लिए कोई एक्शन लेगा, मेरे लिए कोई एक्शन लेगा, ये लेगा भी तो कब, क्या बहुत देर कर देगा तब लेगा। ऐसी सिचुएशन है, एक बहुत कसमकस की सिचुएशन से आप चल रहे हो, और कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन ही इतनी क्रिटिकल है कि आपका पर्सन बहुत ही कंफ्यूज रहता है, उसके माइंड में क्लैरिटी नहीं है। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ लोगों में से किसी थर्ड पार्टी के साथ में भी डील कर रहे हैं, या फिर किसी उनकी लाइफ में ऐसा कोई है जो उनकी लव सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है, उनके फैसले को बदल रहा है। ठीक है, उनको मैनिपुलेट कर रहा है कि नहीं नहीं ये पर्सन जो आपके लिए है जो ना, वो मैनिपुलेट कर रहा है कि ये पर्सन उनके लिए ठीक नहीं है, और उस चीज़ में वो कन्फ्यूज हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि क्या मैं सच में इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं, मुझे राइट नाउ ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, जुलाई के महीने में आपके पर्सन इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं क्लियरिटी उनको नहीं मिल रही थी, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जुलाई के मंथ में आपको डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस नेगेटिव से आप बहुत ही पॉजिटिव से बाहर निकलोगे। ठीक है, अपने दम पे निकलोगे, अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, और यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है आपका पर्सन एक क्लियर फैसला लेगा आपको लेकर के जुलाई के मंथ में, और ये आपके साथ में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हो ना,
आपके साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ भी द चैरिट की एनर्जी जो कि बताती है कि आपकी जीत होगी। बरात की एनर्जी है तो जुलाई के मंथ्स में बहुत से लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप में अगर नहीं भी हैं तो भी किसी ना किसी पर्सन के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो बार बार लव में फेलियर का सामना कर रहे हैं, ठीक है, लव में फेलियर का सामना कर रहे हैं, तो उनको एक नया ऐसा पर्सन की लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है जो उनके साथ में सच्ची कसमें खाएगा और सच में वादे अपने निभाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों की जो भी लाइफ में एक सिचुएशन में, जो भी आपके मैरिज पॉसिबिलिटी में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उनसे आप निकल रहे हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है, सिक्योरिटी आते हुए दिखाई दे रही है। यिंग यांग की एनर्जी है, जैसे बैलेंस आ रहा है आपकी लव लाइफ में इस जुलाई के मंथ में। बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे कोलैप्स होंगी, कुछ ऐसे लोगों से आपका यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि झगड़ा भी हो सकता है जो आपके और आपके प्यार में परेशानियों को खड़े किए हैं। उनसे तगड़ा वाला झगड़ा हो सकता है, छोटा मोटा नहीं, तगड़ा वाला झगड़ा हो सकता है जिन्होंने जानबूझ के आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की। और हो सकता है कि कुछ लोगों को थर्ड पार्टी के साथ में एक तगड़ी वाली फाइट हो जाए, ठीक है। लेकिन ये फाइट जो है ना, ये फेवर में आपके आते हुए जीत आपकी होगी, क्योंकि चैरिट का कार्ड आपके लिए आया है, ठीक है। मैं एक बार इस एनर्जी को थोड़ा सा क्लियरिफाई करना चाहूँगी कि डेविल की एनर्जी और क्या बताना चाहती है, डेविल की एनर्जी और क्या बताना चाहती है। किंग ऑफ वैंड, और पहले जो कार्ड निकला था वो है क्वीन ऑफ वैंड का, और बॉटम में कार्ड डेथ का। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है ना, बहुत सारी मुझे दिखाई दे रही तांत्रिक क्रियाएं या स्पेल्स करा सकती हैं आपके ऊपर ताकि आप अपने आप ही हट जाए। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ लेकर के आना है अपने लिए, पावर में अपने आप को लाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी थर्ड पार्टी को जीतने नहीं देना है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर स्पेल करा सकते हैं आपको अपनी लव लाइफ से निकालने के लिए, ठीक है। और अगर आप इनसे जीतना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको रिवर्स का स्पेल करना चाहिए ताकि वो एनर्जी उनकी तरफ भी वापस चली जाए, ठीक है। और अगर आप नहीं जानते हो तो कमेंट में लिखिएगा रिवर्स स्पेल के लिए, मैं आपको वो एनर्जी आपको सेंड करूंगी कि आपकी लाइफ में जिस थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर ये स्पेल किया है वो रिवर्स होकर आपके उसके पास ही लौट जाए, उसका कर्मा उसको मिले, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी तगड़ी वाइब्स हैं स्पेल वर्क के, क्योंकि डेविल का कार्ड है। बाकी मुझे यहाँ पे सिचुएशन ओवरऑल आपके कंट्रोल में आते हुए दिखाई दे रही हैं। आप दोनों भले ही अभी एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी आप दोनों का यहाँ पर मैचअप और पैचअप होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत बुरी तरीके से बुली होने वाली है, ठीक है, उनको उनका कर्मा मिलने वाला है। आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। आप मैजिशियन हो, आप बहुत चीज़ों को जल्दी से अट्रैक्ट कर सकते हो, तो जो सोचोगे वैसा हो जाएगा। अपने प्यार पे विश्वास रखना होगा, ठीक है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं डिवाइन आपको गाइडेड एंजल्स क्या आपको मैसेज करना चाहती हैं, डिवाइन गाइडेड एंजल्स आपको क्या मैसेज करना चाहती हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के। डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिएगा। डू द वर्क, अपना कर्म कीजिए। कौन क्या कर रहा है आपको इतना सोचना नहीं है, ठीक है। अपना वर्क कीजिए, अपनी लव लाइफ पर फोकस कीजिए। और यहाँ पे हार्ट चक्रा है, अपने हार्ट चक्रा को एक्टिव रखिए। आपका हार्ट चक्रा एक्टिव रहेगा कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे। यहाँ पे येलो एनर्जी और यहाँ पे भी येलो एनर्जी है, यहाँ पे भी येलो एनर्जी, येलो एनर्जी पॉजिटिव की बात करती है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और क्या आपको डिवाइन एंजल्स आपको गाइड करना चाहती है आपकी लव लाइफ को लेकर के।
लिसन डीपली, अपने आप को ध्यान से सुनिए, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये बात सच है, इस बात पर विश्वास रखिए, ठीक है, अपने हार्ट पर विश्वास कीजिए, अपनी दिल की सुनिए, अपनी दिल की सुनिए, आपका जो दिल बोल रहा है वही राइट पाथ है। और बॉटम में देखिए यस का कार्ड है, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे आपको। कुछ और एंजल मैसेज आपके लिए, कुछ डिवाइन एंजल्स मैसेज, अगर आपको अपने पर्सन के साथ में रिकंसलेशन चाहते हैं या किसी लव लाइफ को लेकर के कोई विश है तो वो विश कब पूरी होगी, या आपको क्या गाइड मैसेज करना चाहती हैं, चलिए जानते हैं एंजल्स की तरफ से। रिमेन पॉजिटिव, जो कि मैं बात बार बार कर रही हूँ कि पॉजिटिव रहिए, आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आप अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं, इस थर्ड पार्टी को हरा सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए फर्गिवनेस, अपने पर्सन को फर्गिव कीजिए, इसीलिए यहाँ पे अपने दिल को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए बात हो रही है, ठीक है, अपने पर्सन को फर्गिव कीजिए। और आपके लिए देखिए यहाँ पे भी बॉटम में यस का कार्ड, ओ माय गॉड, जो आप विश मांग रहे हो वो जरूर पूरी होगी, बस पॉजिटिव बने रहना है। जो भी जिसने भी आपके साथ गलत किया उसको क्षमा कीजिए, ठीक है, उसको क्षमा कीजिए, उसको उसका कर्मा, ठीक है। चलिए ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग, अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय।